Thank you.
मन की इच्छा कभी किसी की नहीं होती, और होती है तो वो पूरी नहीं होती। जैसे एक धारा नगरी का राजा था सीलवान, उसके एक चंद्रकला नाम की लड़की थी। जब चंद्रकला शादी लायक हो जाती है तो राजा एक टोडा नाम के पंडित को बुलाता अपनी बेटी चंद्रकला की हस्तरेखा दिखाने के लिए। कहने लगे, पंडित जी इसकी शादी मेरे को करनी, इसलिए इसकी हस्तरेखा देकर के इसके गुण अवगुण मेरे को बतलाओ। सीलवान महीपाल हुआ था सजनों धारा नगरी में, उसके बेटी चंद्रकला कोई कसर नहीं थी। राजा पंडित जी चंद्रकला की हस्तरेखा देखने के लिए आते। राजा कहने लगे, गोली ले रहा है कोई रात में दिखे को ना रेस्ट को तो रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। अरे हाथ जोड़ कर राजा बोला, सुनिए पंडित दादे, चंद्रकला का हाथ देख कर गुण हो गुण बदला दे। Oh, yeah.
पंडित जी चंद्रकला की हंस रेखा देखने के लिए आते हैं, लेकिन चंद्रकला के रूप को देख करके पंडित जी का मन विचलित हो जाता है। पंडित जी का पापी मन बदल गया, इसलिए बताया भाई चंद्रकला का रूप देख कर मोहित हो गया दादा। राजकुमारी हड़बड़ जाकर घोटा गया इरादा। राजकुमारी हड़बड़ खाती घोटा गया इरादा। राजा कहने लगा पंडित जी मेरा राज खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी लड़की को मेरे को खून करना पड़ जाए। आप विद्वान हो इसलिए कोई उपाय निकाल सकते हो। बताया भाई इतनी बात सुनी राजा ने भद्र पड़े अटल में। Oh, God.
जा करके सुबह सुबह ब्रह्म रुद्र में गंगा जी में नहा दे, लड़की तेरी खत्म हो जाएगी और राज तेरा बच जाएगा। सजनों इस प्रकार की सलाह देकर के पंडित जी वहां से चले जाते हैं। भाई पंडित जी तो विदा हो गए, राजा को पाठ फटा करके चटसाला के लड़कों कृष्ण कुमार जी यादव जो ग्राम विकास अधिकारी भीलवाड़ा जिले में कार्यरत है, उनकी तरफ से गायक कलाकार योगेंद्र सिंह जी को प्रसन्न होकर के शैम में भेंट करते हैं। बोलिए पुत्र महाराज की जय। के गरवाड़ी में पंडित जी को जवानी में छोड़कर चली गई थी तो बताया अरे नदी किनारे आश्रम प्यारे अरे पुण्य Oh,
किस्मत के दिन फिर जाते जब सोन लगे इस प्रकार पंडित जी नदी के किनारे लड़के पढ़ाने का काम करता था। उधर पंडित जी लड़कों को समझा देता है और उधर चंद्रकला जी जो माँ थी यानी पंडित जी के कही अनुसार राजा अपनी बेटी चंद्रकला को काट के संदूक में पैक करवा के नदी में बहा देता है। उधर चंद्रकला की माँ थी वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान इस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसको इतनी कड़ी सजा मिली। तो कहने लगी अरे दीन बंधु कहलाने वाले अरे बिगड़ी बात बनाने वाले जब तुम्हारी माला ओ तुम्हारी माला बंधु कहलाने वाले बिगड़ी बात बनाने वाले जब तुम्हारी माला ओ बनाने वाले
कर गवाओ तो बड़ा नहीं कपड़े पापी पंडित पागल कमाया माया जाला में जाया है पापी पंडित पागल कमाया माया जाला में जाया है राजा की भी कपल पकड़गी नहीं समझ
जय जय परम पार, गुरु गोरा, ये नगर और सितारे।
भाई चक्का चौंद होने लगे चंद्रमा देव चंद्रमा देव चक्का चौंद होने लगे चंद्रमा देव हाल सब हाल हो जाती पड़ती Thank you.
इस प्रकार सतनो राजा उसी जंगल में से एक रेंच पकड़ लेता है और उसी पेटे में संदूक में पैक करके नदी में भवा देता है। उधर चंद्रकला अपना हाल तमाम उस बूंदी के राजा को बताती है। वरमाला गल में गिरती है और राजा के साथ में शादी करती है। सजनों, जिसके रक्षक साथी इमानदी भगवान होते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, इसलिए बताया अरे भगत को भगवान मेरी आंखे बाजी है, यो कौन किसी ने मार सके सामरियो राजी है। Yeah.
बहादुर सिंह के चरणों में तूने आज आवाज जमाया। बहादुर सिंह के चरणों में तूने आज आवाज जमाया। नाथ सिंह से खावत तूने कैसा चंद बनाया। नाथ सिंह से खावत तूने कैसा चंद बनाया। इस प्रकार चंद्रकला अपना हाल तमाम उस बूंदी के राजा को बताती है। वरमाला घर में गिरती है, राजा के सामने शादी करती है। राजा की लड़की थी, अंतराज ग्रहणों में चली जाती है। उधर जो पापी पंडित जी था, जिसका जो मन था उसका भगवान कैसा फैसला करता है। चार और दोनों की दृष्टि एक हो तो हो जाए बेड़ा पार। जब आनंद आता है इंसान को आता है ध्यान लगाने से आता है, वरना तो बाबा सिर को खाद फोर का लग जाओ अभी से भी मजबू आ जाए। सब अपनी अपनी रामलीला में लाग रहा है। क्यों कि भी कोई एक धनी हो भी कह दो लड़की वही तोती जबान थोड़ी बोल वो कमा तो वाला सगाई करवा के लिए थोड़ी मुसीबत से ही तो भैया की शादी कौन करेगा। फिर तो आगे धनी भी मैं कोई देखो तो बन गए भाई सगाई करवाओ तो बोलियो मत। तो वह सगाई कर बारो आपको जनाबा एक भाड़ ही बोले देख भाई तेरी बोले तेरी थोड़ी है दूसरी बोले बोले मत दोनों है सुबह पावनाम में पतो लागो भाई दोनों तोती है। तो एक थोड़ा ध्यान लगाने से होता है। तो पंडित जी के लड़के सारे के सारे बेटे के इंतजार में नदी किनारे बैठे थे और निकाल करके बेटी को पंडित जी के कमरे में रख दी और कहने लगे गुरुजी आपकी अमानत कमरे में रखी है। तो पंडित जी कहने लगे बेटो एक काम करो नगारे बजाओ और शोर करो मेरे कमरे की तरफ कोई बताना। तो बताया सजनों पंडित जी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरे मन मगन गुरु जी आए के कमरे का खोला ताला। मन मगन गुरु जी
गुरु ने आदेश दिया लड़कों को बुलाए के चाला मंजूर करो नारा बजाए के जितने कोई जगह नहीं राजो दुबाए के We'll be right back.
सदनों गुरुजी पंडित जी इस कमरे के अंदर पेटी को खोलता है तो रींच निकलता है, रींच निकलता ही पंडित जी के झपटा मार दिया, पंडित जी के भाव में खून आ जाता है। पंडित जी चिल्लाते हैं लेकिन पंडित जी के चिल्लाने की एक आवाज भी नहीं सुनी, क्यों? चरसाला के लड़के थे वो भी शोर शराबा कर रहे थे, इसलिए पंडित जी की एक भी आवाज नहीं सुनी। चरसाला के लड़के सारे गुरु को पुकार रहे, गुरु को पुकार रहे, चरसाला के लड़के सारे, चरसाला के लड़के सारे अंधकार हो गुरु को पुकार रहे, मित्र से ना बोले चरसाला के लड़के किवाड़ तोड़कर देखते हैं तो रींच निकलता है, लेकिन पंडित जी मरते समय अपने खून से श्लोक लिख देते हैं उस कमरे की दीवार पर कि भाई मन इच्छा समो नास्ति देव इच्छा पर्वत ते राजकन्या राजद्वारे विपर भालु भक्षते। राजा की लड़की थी वो राजघराणों में चली गई, मेरा जो पापी मन था उसको रींच खा गया। सजनों पंडित जी को रींच फाड़ देता है, अंत खोटे का नतीजा खोटा ही बताया है, इसलिए बताया भाई खोटे का नतीजा खोटा, खोटे कार करके देखो, खोटे कार करके देखो, खोटे का नतीजा खोटा, खोटे कार करके देखो, अंत में हिसाब होता चारों ओर मिलके देखो, क्या भी तेरे से भाई क्या बात करके देखो। लगाए के जब